हेलो एवरीवन, ये मेरी बेटी की छठी का कुछ क्लिप्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये डेकोरेशन उसके मामा और मौसी ने मिलकर किया था, छोटा सा ही था बट सुंदर लग रहा था। और ये देखिए मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ, हम लोग जब सब कोई रेडी हो गए, मेरी छठी का प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तो हमारे यहाँ परछन होता है, ये नियम है। कितना अच्छा लगता है ना ये मोमेंट, एक शादी के टाइम ऐसे होता है परछन, और फिर जब बेबी होता है, तो किसके किसके यहाँ ये नियम होता है ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो होता है छठी के टाइम जो माँ होती है उसका परछन होता है, सिंदूर लगाया जाता है। ये मेरी मम्मी है, वो सासू माँ थी, ये मेरी मम्मी है, और कुछ लोग किए थे, मतलब लेट हो रहा था खाना के लिए, तो ये मेरी जेठानी है, 5 या 7 लोग किए थे ऐसा। सभी लोगों ने कर लिया परछन जल्दी जल्दी, और फिर देखिए ये मैं अपने घर के पूर्वज लोगों को और देवता देवी जो भी है हमारी ससुराल तरफ से, मायके तरफ से, अभी मैं ससुराल में ही हूँ आप लोग को पता है, तो सॉरी मायके में हूँ। यहाँ मैं मेरी नानी से कुछ पूछ रही थी, नानी बताते जा रही थी क्या क्या करना है नहीं करना है, तो मैं सभी देवी देवता का नाम लेकर खाना गिराना होता है, पूजा करना होता है, सब कर लिए और फिर अब खाना स्टार्ट कर दिए। ये देखिए मेरी जो बेटी है उसका मुंह पूरा ढका गया है गमछा से, टावल से पूरा ढक दिया गया है, ऐसा कुछ नियम है ढकने का तो ढक दिया गया है। और फिर इधर मेरा भी खाना कंप्लीट हो गया, हम खाना स्टार्ट किए, कुछ खाए, उतना देर में मेरी बेटी भी उठ जाती है और फिर उसको लेकर थोड़ा सा गोदी में थोड़ा सा और खा लिए। बोला जाता है कि उस दिन भरपेट खाना होता है, नहीं तो फिर बेटी जो भी आपका बेबी होगा वो बाद में किसी चीज़ के लिए नहीं ऐसे करेगा, ये सब नियम है करने का, बाकी जो होता है सो होता ही है। खाना सबका कंप्लीट हो गया और फिर देखे मेरे पापा कुछ प्रोग्राम करवा रहे थे, इसको आप लोग रियल वॉइस में ही सुनिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। Hey, sasu sasu ra.